So guys, yeah, it's 3:40 हो चुका है दोपहर के। एंड यहाँ सामने का जो नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है। एंड अभी हम निकल पड़े हैं छोटा सा प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो यार, अभी हम जो छोटे से जगह के बारे में बात करेंगे वो है तीनधारिया नया कमन। हाँ जी, फिर से मैंने एक बार ला दिया ना यहाँ पे नया तो ठीक है, कमन। कमन मीन्स एक टी स्टेट बेसिकली हम कहते हैं दार्जिलिंग में। तो आगे का नज़ारा एक बार देख लो। तो चलो, हमें ना कहाँ पे पहुँचने, कहाँ पे पहुँच के कहाँ क्या लेना पड़ेगा वो बता देता हूँ। हमें तीनधारिया पहुँच के, तीनधारिया से जो नेशनल हाईवे को हमें क्रॉस करना है, एंड एक सेक्शन आएगा तीनधारिया बाज़ार, क्रिकेट बाज़ार, वो रूट चूज़ करना है जो थोड़ा सा स्टीप है। एंड वो जैसे ही हमने वो स्टीप रोड पकड़ा तो हमें उसके बाद राइट लेना पड़ेगा एंड सीधा हम पहुँच जाएंगे नया कमन। तो ये वाला जो सेक्शन था ये मेरा आगे का दो वीडियो में आया था जो हमने एक्सप्लोर किया था उस जगह को। एंड यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत दिखाई देता है वो जगह, एक बार दिखा देता हूँ वो प्लेस हमने जो एक्सप्लोर किया था। एंड आप लोगों ने जो प्यार दिया था उस जगह को वो देखिए, ये है वाक मारा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई तो दे रहा होगा। सो गाइस, अभी हम तीनधारिया बाज़ार पहुँचने को है एंड दिखा देता हूँ, हमें यहाँ से राइट लेना पड़ेगा एक्चुअली। एंड हमें ये राइट देखिए, नेशनल हाईवे ये ऊपर की तरफ है एंड यहाँ से राइट लिया हमने, फिर यहाँ से हमें लेना पड़ेगा यही राइट। तो अभी हम अगर ये रूट के पकड़ के चले तो हम सीधा पहुँच जाएंगे तीनधारिया नया कमन। ऐसा जो रोड होता है, जो ये पत्थर, इनमें ना बहुत ही सावधानी करके चलाना पड़ता है बेसिकली जो टू व्हीलर है एंड टू व्हीलर के सेगमेंट में जो ये स्कूटर है, स्कूटर को, क्योंकि इनके जो पहिए होते हैं वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू बाइक। हाँ, बाइक उतना स्किड होने का चांसेस तो रहता है उसका भी, मगर ज़्यादा नहीं, स्कूटी का और भी ज़्यादा रहता है। तो जो अभी मैंने बताया, ऐसा पैसेज में आपको बहुत ही सावधानी करके चलाना पड़ता है, नहीं तो यार फिर वही है, एक बार गिरो फिर स्कूटी को उठाओ फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करो, वही करना पड़ेगा अगर आप रफ जाते हो तो वहाँ तक। एंड गाइस, देखो एक बात तो सही है कि भाई आप लोग, आप में से ना बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते हो एंड लाइक मुझे इंस्टा में भी मैसेज करते हो पर्सनली, एंड मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि भाई मैं ना ज़्यादा नेचर को एक्सप्लोर करता हूँ। सही है, वो मैं नेचर को ही ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। एंड उसके चलते यार कई लोग ने मुझे ये सजेस्ट भी किया कि भाई एक ड्रोन लेना चाहिए आपको। एंड भाई मैं 100% सहमत भी हूँ उसमें, आप जो बोल रहे हो उसमें मैं 100% सहमत हूँ। एंड सोचिए, अगर आप इतना मतलब उत्सुक हो, इतना एक्साइटेड हो मेरा ड्रोन लेना, तो सोचिए यार मुझे तो और कितना एक्साइटेड होगा ड्रोन लेने के लिए। आप खुद ही बता दो एक बार यार। अगर आप लोग ना मेरे जो फ्रेंड्स है, मैं व्यूअर्स फैंस नहीं बोलूँगा, फ्रेंड्स बोलूँगा, अगर आप लोग सोचते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हम ड्रोन लें एंड ये सही भी है, ये मेरा यार सपना है, ये मेरा सपना, तो अगर आप लोग मतलब मेरा वीडियो को और अपग्रेड करके देखना चाहते हो तो सोचिए यार मुझे कैसा हो रहा होगा, क्योंकि मुझे तो और बढ़िया देना है आपको वीडियोस आने वाले दिन में। एंड ड्रोन लेना तो यार मेरा क्या बोले, सपना है। एंड सपना सपना नहीं रहेगा, सपना हकीकत में बदलेगा। ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा पेशेंट रखें जितना मैं रख रहा हूँ, पेशेंट तो मुझे रखना चाहिए क्योंकि यार मुझे ना इतना दिल है ना ड्रोन लेने का, क्या बोले यार आप, वो तो शायद किसी में भी नहीं होगा अब तक, क्योंकि यार ड्रोन तो मेरा सपना है, वो सपना को मैं पूरा करके रहूँगा, मगर लेट से ही सही या जल्दी हो या लेट हो अब वो मैं फिक्स डेट नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार नज़ारा, हम एक बार यहाँ पे रुक लेते हैं एंड उसके बाद आपको दिखाई देते हैं। देखिए ऊपर की तरफ, हाँ आज चाय बागान हमें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो हमें ज़्यादातर यहाँ पर चाय बागान मिलता। एंड उसके बाद देखिए यहाँ का जो व्यू है क्या खूबसूरत है ना। एंड जो ये पैसेज है ना, जो ये सेक्शन है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें राइड करने को,
क्योंकि यार आपको लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा चाय बागान विद द स्लोप एंड यहाँ पे है सिर्फ जंगल एंड इलायची। हाँ इलायची फार्म है ये शायद, ना ना इलायची नहीं यार, इलायची नहीं, आई एम सॉरी, वो क्या है पता नहीं मुझे, एग्जैक्टली नहीं पता एंड अच्छी तरीके से मैंने देखा भी नहीं उसको, देखा भी नहीं। तो अगर आप शेर नहीं हो तो भाई रहने दो ऐसे ही, है कि नहीं, क्योंकि झूठ बोलना यार हमारा फितरत में नहीं है एंड आपको मैं झूठ बोल के तसल्ली नहीं देना चाहूँगा क्योंकि हम ऐसे ही है। इसे क्या कहते, इसे क्या कहते हैं, मैं भूल गया रे इसका नाम था। खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, मतलब ऐसा है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, दार्जिलिंग में ना टी स्टेट आपको कोने कोने में मिलेगा, मगर हर टी स्टेट का एक अपने आप में खूबसूरत है, एक अपने आप में ब्यूटीनेस है हर टी स्टेट का। आप ये मत सोचना कि भाई टी स्टेट तो जा रहे हैं, आपको वही घिसा पीटा चाय बागान मिलेगा एंड वही व्यूज़ मिलेगा, वही व्यू मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है बॉस। अगर आप आओगे दार्जिलिंग ना एंड अगर आप हर एक टी स्टेट में जाओगे ना, आपको अलग ही फील देगा वो चीज़। सो गाइस अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे एंड काफ़ी गर्मी लग रहा था, मैंने अपना जो जैकेट है उसको उतार के गाड़ी में रख दिया है एंड मास्क भी उतार लूँ अगर आप नाराज़ ना हो तो। उतारने में क्या जाते हैं क्योंकि अभी हम सिंगल है, ऑल अलोन, भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम उतार सकते हैं, तो हम उतार के ही बात करेंगे। हाँ एक चीज़ यार मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि भाई देखिए, हाँ यहाँ पे एक्चुअली, हाँ यहाँ पे नेट है, यहाँ पे नेट ज़बरदस्त है एंड एक चीज़ आपको बताना है। तो देखिए मेरा YouTube स्टूडियो में मैं जा रहा हूँ एक्चुअली एंड यहाँ पे जाके मैं एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ, हाँ तो मैं आपको दिखा तो नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल के बताऊँगा कि क्या है भाई। तो देखिए यहाँ पे जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, तो जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनमें से जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सिर्फ 14.7% है एंड जो नॉट सब्सक्राइबर है वो 85.1। तो क्यों यार क्यों ऐसा करते हो, जो 85.1 जो लोग देख रहे होंगे क्यों ऐसा करते हो यार। चलो ना आप, मुझे पता है कि डेली अगर आप देखते हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा लो, क्योंकि दबा लो उसमें क्योंकि वाला बात ही नहीं, आप दबा लो एंड अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो यार सही है मत दबाओ, मैं फोर्स भी नहीं करूँगा, मगर आप अगर डेली मेरा ब्लॉग्स देखते हो, अगर आप डेली मेरा कंटेंट को सर्च करते हो तो ऑब्वियसली आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, करने में क्या है यार, पैसा नहीं जाता है, आपको एक रुपये भी देना नहीं पड़ेगा एंड ये पैसे का तो बात नहीं है ना, मैं थोड़ी पैसे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर एंड या चलो अभी बातें साथ हो चुका है, अभी करना क्या है कि भाई इस मशीन को लेकर थोड़ा आगे तक जाना है, थोड़ा आगे जाके उस पैडी फील है वहाँ पे, एक्चुअली वो पैदी फील है वहाँ तक ही जाना है, हमें रोहिणी का जो मेन रोड है वहाँ पे टच नहीं करना है, वहाँ तक ही जाना है एंड उसके बाद वहाँ पहुँच के फिर बैक टू होम। तो यही आज का सिनारियो, सो लेट्स मूव ऑन, क्या बोलते हो, चलो। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा आगे तक चलते हैं। तो ये लो जी हमारा फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, वो भी छोटा वाला एंड ऐसे ही कुछ सिनारियो आगे जाके देखने को मिलेगा, उसको हमें क्रॉस करना है। ये रास्ता यूजुअली मतलब जो लोकल्स है वही यूज़ करता है इंसान को, नहीं तो यहाँ पे नया आदमी का तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो यहाँ के नहीं है उनको तो एक्चुअली ये रोड के बारे में पता भी नहीं होगा एंड पता नहीं होगा तो कैसे ये रोड चूज़ करेंगे, है कि नहीं। तो यूजुअली लोकल्स ही ये रोड को यूज़ करते हैं। ये देखिए इसमें ना सावधानी करके चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर वही है मैंने जो आगे सामने मतलब जो मैंने बोला था, स्कूटी को उठाओ, अपने कपड़ा वपड़ा को पोछो जो धूल मिट्टी लगा है, उसके बाद फिर चलो अगर आप सावधानी से नहीं चलाओगे तो। एंड ये यूजुअली जो टू व्हीलर्स है जो स्कूटर सेगमेंट में है उनके लिए, क्योंकि टायर ना इनका छोटा होता है
एंड हमें तो भाई नहीं गिरना है जानबूझ के, हमें पता है कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ऐसा होगा बोल के, तो हम वो चीज़ क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ओहो लो जी भाई, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है क्या? हाँ जी, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे पहली बार तब ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको यहाँ पे ना खतरनाक ऑफ रोडिंग करना पड़ता था, मगर आज तो आज यहाँ पे मतलब रास्ता तो बना दे रखा है, तो ठीक ठाक ही है। इतने में से तो हम आराम से निकल पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा टफ होना था। तो आगे जाके हम फिर वापस अपने घर की ओर आएंगे, तो चलिए थोड़ा आगे तक चलते हैं। जी मैंने जो पेडिफिल दिखाया था उस पॉइंट में रुके, वो यही है। एंड ये बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए, है कि नहीं खूबसूरत है कि नहीं, बस इतना ही बताइए। तो चलो गाइस, हमारा जो डेस्टिनेशन था वो यहीं तक ही था, एंड थोड़ा आगे तक हम जाएंगे फिर से वही रूट होके। तो चलो, ये जो फील्ड है बहुत ही बड़ा है आगे तक, तो हम पर्टिकुलरली जाके तो दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए अभी बैक टू होम। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, बाय बाय।